खवातीन की एक बहुत ही कॉमन बीमारी। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1,00,000 के करीब केस रिपोर्ट होते हैं ब्रेस्ट टाइमली डिटेक्शन ना की जाए। अगर ये फैलने वाली यानी मैलिग्नेंट है तो फिर ये खून के जरिए दिमाग की तरफ जा सकती है, जिगर की तरफ जाएगी तो लीवर के फंक्शंस खराब हो सकते हैं। इसी तरह अगर ये पेट की तरफ जाएगी तो पेट में पानी पड़ सकता है। ऐसी फीमेल्स जिनकी मदर या उनकी खाला है या किसी भी फैमिली हिस्ट्री के अंदर उनके कैंसर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद अजीम जब्बार। आज मैं आपके साथ ख्वातीन की एक बहुत ही कॉमन बीमारी ब्रेस्ट कैंसर, ख्वातीन में पाया जाने वाला छाती का जो कैंसर है, इसके बारे में बात करूंगा। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1,00,000 के करीब केस रिपोर्ट होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, जिनमें से 60% से ज़्यादा ख्वातीन ब्रेस्ट कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और 13 में से एक जो फीमेल है पाकिस्तान के अंदर, उनके अंदर ये चांसेस होते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर उनको हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैंसर क्या है, इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके सेल्फ एग्जामिनेशन, कोई भी खातून अगर उनको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं वो कैसे सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकती हैं कि उनको किसी तरह का कोई सिम्टम है, इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है और एलोपैथिक में इसका किस तरह से इलाज किया जाता है, इन तमाम बातों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कैंसर क्या है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत से सेल्स खुलियात हैं जो बनते हैं और टूटते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसीजर है। अगर जिस्म के किसी भी हिस्से के अंदर ये जो सेल्स हैं इनकी ओवर ग्रोथ हो या एबनॉर्मल तरीके से इनकी ओवर ग्रोथ हो, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की जो फीमेल्स होती हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, उनकी जो चेस्ट है अगर वहाँ पे ये जो सेल्स हैं एबनॉर्मल तरीके से इनकी ग्रोथ होती है तो वहाँ पे गिल्टी बन जाती है। अब ये जो गिल्टी है ये बिनाइन यानी कम ख़तरनाक या ना फैलने वाली भी हो सकती है, या मेलिग्नेंट भी हो सकती है यानी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और फैलने वाली भी हो सकती है। अब अगर ये जो अगर इसको टाइम से इसका इलाज ना किया जाए, इसकी टाइमली डिटेक्शन ना की जाए, अगर ये फैलने वाली यानी मेलिग्नेंट है तो फिर ये खून के ज़रिए दिमाग की तरफ जा सकती है, जिससे दिमाग के जो निज़ाम है वो ख़राब हो सकता है। अगर ये जिगर की तरफ जाएगी तो लीवर के फंक्शंस ख़राब हो सकते हैं, जॉन्डिस हो सकता है। इसी तरह अगर ये पेट की तरफ जाएगी तो पेट में पानी पड़ सकता है, और अगर ये हड्डियों की तरफ जाती है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, हड्डियाँ टूट सकती हैं। ऐसी फीमेल्स जिनकी मदर या उनकी खाला है या किसी भी फैमिली हिस्ट्री के अंदर उनके कैंसर है, तो ऐसी फीमेल्स के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर नहीं भी है तो तब भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान के अंदर 13 में से जो एक फीमेल है उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर हम सिम्टम्स के बारे में बात करें, अगर ब्रेस्ट का साइज़ एक तरफ से ब्रेस्ट बड़ी है और दूसरी तरफ से उसका साइज़ छोटा हो रहा है, या अगर उसकी जो शेप ख़राब हो रही है, इसको हम सिमेट्री कहते हैं, अगर चेस्ट के अंदर किसी तरह की गिल्टी महसूस हो रही है, या जो निप्पल्स हैं डिस्टॉर्टेड है, वो सुकड़ाव है, या उसकी जो शेप ख़राब हो रही है, अगर निप्पल्स में से ब्लड आ रहा है, किसी भी तरह की रतूबत आ रही है, पानी की तरह की भी हो सकती है, ग्रीन तरह का डिस्चार्ज भी हो सकता है, दूध पिलाने वाली माओ के अलावा यानी चेस्ट में दूध के अलावा किसी भी तरह की अगर कोई रतूबत निकल रही है मैरिड या अनमैरिड ख़वातीन की, तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं कैंसर के। स्क्रीनिंग की बात करने से पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से ख़वातीन सेल्फ एग्जामिनेशन अपना कर सकती हैं कि उनके अंदर ये ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स हैं या नहीं। इसके लिए फीमेल्स ख़वातीन मिरर के सामने अपने बाजू ऊपर करके पहले तो चेस्ट का मुआयना करें कि चेस्ट का जो साइज़ है वो एक तरफ से बड़ी है, छोटी है, खासा ज़्यादा प्रोमिनेंट फ़र्क तो नहीं है उसके अंदर। इसी तरह अगर निप्पल्स डिस्टॉर्टेड है या उसके अंदर से ब्लड आ रहा है या किसी तरह की रतूबत निकल रही है, तो ये सिम्टम्स भी कैंसर के हो सकते हैं। इसके अलावा प्रेस करके, उसको पकड़ के दबाना नहीं है, प्रेस करके रिब्स की तरफ, पसलियों की तरफ दबा के आपने उसको देखना है, किसी तरह की गिल्टी तो नहीं महसूस हो रही। अगर महसूस हो रही है या इस तरह के कुछ सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो आपको फौरन से डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए।
ऐसी फीमेल जिनकी जो उम्र है वो 35 साल तक है और उनके अंदर किसी भी तरह की कोई अलामत या सिम्टम्स नहीं है, उनको एक बार लाजमी मेमोग्राम टेस्ट करवाना चाहिए। ये एक खास तरह का एक्सरे होता है। और वो फीमेल्स जिनकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर किसी भी तरह का कैंसर है तो उनको 30 साल की उम्र के अंदर ही लाजमी मेमोग्राम टेस्ट करवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्क्रीनिंग के हवाले से कि कौन से टेस्ट हैं, किस तरह से हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेमोग्राम है जो कि खास तरह का एक्सरे है चेस्ट का, जिससे ये पता लगाया जा सकता है किसी तरह की कोई तब्दीली तो नहीं हो रही। अल्ट्रासाउंड करवाया जा सकता है। अगर मेमोग्राम या अल्ट्रासाउंड के अंदर गिल्टी या कोई चीज़ मिलती है तो नेक्स्ट एक ट्रू कट बायोप्सी लेबोरेटरी में टेस्ट होता है, जिसमें नीडल के जरिए जो वो गिल्टी होती है उसका कुछ हिस्सा निकाल के लेबोरेटरी में चेक किया जाता है कि क्या ये कैंसर है या नहीं कैंसर है, फिर फर्दर इसकी आगे इन्वेस्टिगेशंस करके तो ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं इसकी स्क्रीनिंग के। ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर बहुत सी मेडिसिन हैं इसको क्योर करने के लिए। बहुत से पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर के रिकवर हुए हैं। और जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है इसके अंदर सर्जरी के जरिए इलाज किया जाता है, कुछ मेडिसिन के जरिए ट्रीटमेंट किया जाता है, कीमोथेरेपी की जाती है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, वो जो कैंसर सेल्स होते हैं वो कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए, कुछ हार्मोनल थेरेपीज दी जाती है, इस तरह से इलाज किया जाता है एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर। ये तो बुनियादी बातें हैं जो मर्दों और ख़ास तौर पे ख़वातीन को पता होनी चाहिए ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। अगर उनकी ब्रेस्ट के अंदर किसी भी तरह की कोई तब्दीली आ रही है तो फौरन से आपको डॉक्टर के पास जाना है। अब हम कुछ मिसकंसेप्शंस जो हैं उस बारे में बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लोहा नहीं लगाना चाहिए अगर चेस्ट के अंदर गिल्टी बनी हुई है, तो इस तरह की कोई बात नहीं है कि लोहा लगाने से वो बढ़ जाएगा, आपका जो केस है वो ख़राब हो जाएगा। या कुछ लोग क्या करते हैं, अगर किसी तरह का गिल्टी या कोई चीज़ डायग्नोज हुई है ब्रेस्ट के अंदर तो फिर उसको कोई चीज़ दम कर ली या उसको चेस्ट पर लगाने से वो ठीक हो जाएगा। देखिए, जो दम है ये एक मसनून अमल है, मसनून तरीका है, मसनून दुआएँ हैं। दम जो है इसकी जो अफादियत है, दम की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है। दम अगर आप कर रहे हैं कैंसर जैसे केसेस के अंदर, दम तो आपको करना चाहिए। बेसिक जो बीमारियां होती हैं, नज़ला जुकाम बुखार भी है आपको, तो आपको मेडिसिन के साथ दम भी करना चाहिए। आप मेडिकली ट्रीटमेंट भी लें साथ में दम भी करवाएं। ये कुछ बुनियादी बातें थी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जिसका ख्वातीन को ख़ास तौर पे पता होना चाहिए। अगर किसी भी तरह की आपके ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस आ रही है तो आपको फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाके उसको चेक करवाना चाहिए। उम्मीद है जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस बारे में बातें बताई हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।